अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब फ्री से होंगे। तहरी बनाने लगी हूँ। ये मैंने चिकन का कीमा बनाया है, इसका मैं मसाला बनाने लगी हूँ। ऑयल मैंने पहले ऊपर रख दिया, वो गर्म हो गया। समोसे का ना बैटर बना रही हूँ, और ग्रीन मिर्चें उसके लिए फिलिंग करनी है। ये सोया सॉस, ये है चिली सॉस, ये सिरका, ये कुटा धनिया, ये कुटी मिर्च, ये काली मिर्च, और ये जीरा, ये सूरी हमेशा है मिर्च, और ये है हल्दी। ये है ग्रीन चिली, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है नमक, नमक अपने जरूरत के मुताबिक। मसाला मेरा रेडी हो गया। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, माशाल्लाह से जितने रोजे हैं ठंडे में, अल्लाह करे कि बाकी रोजे भी ऐसे हों। सारे रोजे मौसम ठंडे में गुजरे। मसाला मेरा रेडी हो गया, अब धनिया डालते हैं। तो साइड पे करते हैं, मसाला रेडी हो गया। अब चलते हैं समोसे बनाते हैं। समोसे अदरक के लिया था भून के, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और मैं इसके पेड़े बना के रख लेती हूँ, बाद में इसकी कोटिंग करूँगी। Thank you.
ये कोटिंग में है ना चिकन की कर रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत करारे बनते हैं, आप लोग भी ट्राई करना। ये मैं मिर्चियाँ मिर्चों की कोटिंग करने लगी हूँ, अंदर से बीज निकालने और मसाला करना है इसके अंदर। ये भी बहुत मज़े की लगती है, आप लोग भी ट्राई करना। ये कुछ इस तरह इसके ऊपर कोटिंग करनी है बेसन की। कुछ के अंदर मैंने कीमे वाली कोटिंग करनी है और कुछ मैंने वैसे ही ना फ्राई करनी है। ये चर्बी बिल्कुल नहीं लगती, बहुत मज़े की लगती है। इसको हल्का सा कट लगाना है, इसलिए कि जब घी में डालेंगे ना तो फिर फटती नहीं, अगर ना कट लगाए तो फट जाती है। ये भी अच्छी लगती है, ऐसे लगती है जैसे पकौड़े बने हुए हैं ना पकौड़ों की तरह। माशाल्लाह से कितनी खुशबू आ रही है और कितनी प्यारी लग रही है। सर मैं इसलिए नहीं दिखा सकती, मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, टाइम कम होता है तो इसलिए मैं ना सैरी नहीं दिखा सकती। इसके अंदर मैंने फिलिंग नहीं की, ये सिर्फ मैं ऊपर ही कोटिंग कर रही हूँ। ये भी अच्छी लगती है, फिलिंग वाली भी अच्छी लगती है और ये भी, ये तीखी वाली नहीं, इतनी कड़वी नहीं है ये। ये आलू मैंने पहले बॉयल किए हैं, फिर इसको मैश करके सारे मसाले इसमें ना मिक्स कर लिए हैं। अब मैं पोटैटो चीज़ बॉल बनाने लगी हूँ। ये मैंने चीज़ ना घर में बनाई थी तो बहुत अच्छी बन गई, आप लोग भी ट्राई करना। बाहर वाली सगो महंगी पड़ती है, ये घर में
थोड़े से दूध से इतनी ज़्यादा बन जाती है। इसको अंडे में डिप करके ऐसे जी, ये मैंने दही भले बनाया है। सालन में मैंने ये बनाया है, राजोलिया और आलू। आज की रेसिपी मेरी यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दो में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।